हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी स्नैपचैट के न्यू अपडेट में फोटो को सेव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाले हैं। इसी के साथ इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप स्नैपचैट में कोई भी फोटो को क्लिक करते हैं तो अगर आप उस फोटो को क्लिक करते हैं अपने गैलरी में सेव करना चाहते हैं वो भी ट्रिक इस वीडियो में बताने वाले हैं। और प्रूफ के लिए इस वीडियो में बने रहना है। तो अब आपको बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे हम अपने फोन में स्नैपचैट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद पहले जो आप फोटो क्लिक करके रखे हुए हैं उसको सेव करने के लिए ये जो आइकन आपको देखने को मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा होम, कैमरा, ड्रीम्स, और इसके साइड में जो भी आपका फाइल नेम रहेगा वो देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे फोटो को सेव करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते हैं आप जितने भी फोटो क्लिक किए होंगे स्नैपचैट के अंदर वो सारा फोटो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई एक फोटो को सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फोटो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इस फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ पे शेयर बटन का ऑप्शन नीचे मिलेगा। सिंपल सा ये ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे शेयर टू के नीचे जो कुछ ऑप्शन है इसको आपको करना है स्क्रॉल डाउन। और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल सा ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ऊपर आपका फोटो सेव का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और यहाँ पे ये फोटो है जो मेरा फोन के गैलरी में सेव हो गया है। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और कट करने के बाद यहाँ पे हम फोन के गैलरी में आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि वो फोटो है जो सेव हो गया है, यहाँ पे आपको देखने को मिल गया होगा। तो अब बता देते हैं कि अगर आप स्नैपचैट में फोटो क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाए उसको कैसे करना है। तो उसको करने के लिए आपको आ जाना है यहाँ से बैक। बैक आने के बाद अपने स्नैपचैट के प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोफाइल के ऊपर सेटिंग का आइकन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। इसी ऑप्शन को जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मेमोरीज का, यहाँ पे देख सकते हैं। यही ऑप्शन को आपको खोज लेना है और इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे फोटो सेव करने के लिए सेव बटन का ऑप्शन देखने को मिलता होगा। सिंपल सा इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाता है, मेमोरीज, मेमोरीज, कैमरा रोल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे ऊपर मेमोरीज का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देने के बाद अब आप स्नैपचैट में फोटो क्लिक करने जाएंगे तो क्लिक करते ही आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो काफी सिंपल सा सेटिंग था। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल PRP Tech को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।